सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। तो गाइज, आज का वीडियो ईवी न्यूज़ के बारे में होने वाला है। एंड जिसके आप सभी को पता है, टाइमिंग के हिसाब से आप जो भी ईवी न्यूज़ देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए गाइज, आज का ईवी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गाइज ईवी न्यूज़ निकल के आती है यामाहा की तरफ से। जी हाँ गाइज, यामाहा का फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले अपडेट में बताया था, यामाहा का जो एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है जिसका नाम E01 होने वाला है। फाइनली गाइज वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आपको जल्दी प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होने वाला है। एंड 2021 लास्ट तक आपको यह इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल सकती है। इसके प्राइसिंग, इसके अपडेट एंड जो भी फीचर्स वगैरह आने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट 1 या 2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी गाइज एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, अपडेट के बारे में बात करते हैं, वो गाइज है कोमाकी की तरफ से। जी हाँ गाइज, कोमाकी जो एक बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी मानी जा रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो फाइनल आपको कोमाकी की कोई भी, मतलब जो आपके डीलरशिप जो अवेलेबल है नियर, तो वहाँ पर कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको लेनी है बट वो अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट लाइन की वेबसाइट पे जाकर जो भी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर इन कंपनी की तरफ से लेनी है वो आप बुक कर सकते हो। एंड उस कंपनी की तरफ से उस डीलरशिप में वो इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल की जाएगी। एंड उसके बाद आप जो डीलरशिप में जाओगे तो वहाँ पर आपको इनकी डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी। आप एनी टाइम, आपको कभी भी चाहिए वो आप जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हो। एंड गाइस, कुछ दिन पहले कोमाकी का फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ था, मतलब ज़्यादा रेंज देने वाला फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कंपनी बता रही थी कि 200 किलोमीटर के आगे रेंज देने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर है इन कंपनी के फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो वो भी अगर आपको लेना तो आप जो है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाकर बुक वगैरह कर सकते हो, जिसकी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा अपडेट है गाइज, 2 अपडेट है होंडा की तरफ से। जी हाँ गाइज, होंडा का बेंटली इलेक्ट्रिक स्कूटर टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। जी हाँ गाइज, टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जो कि होंडा का PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो है पहले कुछ दिन अपडेट आ रहे थे कि होंडा का फर्स्ट PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा इंडिया में, तो उसके भी अभी प्लानिंग चल रहा है। बट उससे पहले यहाँ पर जो होंडा का बेंटली इलेक्ट्रिक स्कूटर टेस्टिंग के इमेज निकल के आ रहे हैं, तो आपको ये 2021 लास्ट या 2022 स्टार्ट में आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कुछ फीचर्स कंपनी ने बताए, जैसे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज आपको 87 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिल सकती है। मोटर की बात करें तो 4.2 किलोवाट आवर की मोटर देखने को मिल सकती है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको स्वैप बैटरी पैक देखने को मिलने वाला है, जो कि गाइज 48 वोल्टेज का बैटरी पैक देखने को मिलने वाला है, जो कि स्वैप बैटरी पैक यानी रिमूवेबल बैटरी पैक होने वाला है। एंड होंडा की ये बेंटली इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफिशियली, मतलब ये जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं या छोटे भी बिजनेस होंगे जो कि डिलीवरी का काम करते हैं, तो उनके लिए B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए अच्छा माना जाने वाला, ऐसा कंपनी ने बताया। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी अपना प्रोडक्ट ऐसा कुछ लेकर आ रही है जिसका डिमांड ज़्यादा हो, तो इसलिए कंपनी ने ये सोचा है फर्स्ट हम इसको लॉन्च करेंगे, ऐसा भी कंपनी कह रही है। एंड जो नेक्स्ट हमारा अपडेट है जो गाइज होंडा की तरफ से, ये होंडा का जो स्वैप बैटरी पैक है उनकी टेस्टिंग चालू कर दी गई है, जो कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा में स्टार्टिंग में कर रहे हैं। तो गाइज होंडा का कहना है कि होंडा के जो स्वैप बैटरी पैक है उनकी टेस्टिंग वगैरह पूरी तरह से कम्प्लीटली होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इनको यहाँ पर जो है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी होंडा की तरफ से, उसमें हम ऐड करने वाले, ऐसा कंपनी ने कहा है। तो स्टार्टिंग में जल्दी आपको यहाँ पर जो है होंडा की PCX या होंडा की बेंटली इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये स्वैप बैटरी पैक कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये थे कुछ आज के ईवी न्यूज़, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। एंड ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गाइज, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।